ईद आई और चली भी गई, लेकिन इस ईद सलमान खान के फैंस को ईदी नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि उन्हें अपने बजरंगी भाईजान की एक झलक के दीदार नहीं हो पाए। फैंस घंटों सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईद के दिन सलमान खान ईद का चांद क्यों हो गए। आपको बता दें कि सलमान खान ने ईद के दिन सालों पुरानी परंपरा तोड़ी और फैंस से रूबरू नहीं हुए। तो वहीं सलमान खान ने सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि सलमान खान पब्लिक में आना नजर अंदाज करेंगे, क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी दी थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर स्पेशल पुलिस और फोर्स की टीम तैनात की गई है। घर के बाहर सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है। वहीं सलमान की बिल्डिंग और आसपास के इलाकों में 15 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये सुनने में आया कि स्पेशल फोर्स के ऑफिसर सलमान के साथ उनकी फिल्मों की शूटिंग पर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सलमान ही नहीं, सलमान के वकील को भी जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि ये धमकी भरा लेटर बिश्नोई गैंग ने भेजा है। वकील के चैम्बर के बाहर ये लेटर पड़ा हुआ मिला था। इसमें लिखा था कि सिद्धू मूसे वाले की तरह तुम्हारी भी किस्मत लिखी जाएगी, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम्हारे परिवार के सदस्य को भी नहीं। अब सलमान खान और उनसे जुड़े लोगों को जिस तरह से लॉरेंस गैंग टारगेट कर रहा है, वो काफी खौफनाक है। जान से मारने की धमकी के बाद सलमान की सिक्योरिटी काफी टाइट है। तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। फैंस को उम्मीद है कि सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा खतरा ये जल्द ही टल जाएगा, ताकि उन्हें अपने भाई जान की दीदार हो सकेंगे। आपको बता दें कि सलमान खान की टाइगर 3 तो कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्में आने वाली हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।